ये सत्ता विमर्श का YouTube चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। दिल्ली के आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में 25 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब इनके संपर्क में आए करीब 100 लोगों की तलाश कर जांच की जा रही है। दिल्ली में ही ITBP के 45 जवान भी संक्रमित मिले हैं। इनमें से 43 दिल्ली के आंतरिक सुरक्षा में तैनात थे और 2 जवान दिल्ली पुलिस के साथ कानून एवं व्यवस्था बनाने की ड्यूटी में थे। इस बीच देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1568 पर पहुंच गई है। भारत सरकार खाड़ी देशों समेत दुनिया के 12 देशों में फंसे अपने नागरिकों को लाएगी। 7 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में 12 देशों में 64 विमान भेजे जाएंगे। हर दिन करीब 2000 लोगों को लाने की योजना है। गृह मंत्रालय के मुताबिक केवल उन लोगों को यात्रा की इजाजत मिलेगी जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। भारत आने के बाद उनकी जरूरी जाँच होगी। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बनर्जी का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को बड़ी आर्थिक राहत देनी होगी। भारत ने अभी तक GDP के 1% के बराबर पैकेज दिया है, क्योंकि बाजार में मांग नहीं है और इसे बढ़ाने के लिए गरीबों के हाथ में आपको पैसा देना होगा। बनर्जी कोरोना संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से वार्ता कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है कि एक ओर जहां पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आतंकवाद, फेक न्यूज और फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में जुटे हैं। पीएम मोदी गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर अपनी बात रख रहे थे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि IIT JEE की मुख्य परीक्षा 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को होगी। IIT JEE एडवांस की परीक्षा अगस्त में कराई जाएगी। इसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। कोरोना महामारी से जंग में फंड इकट्ठा करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 करोड़ दिल्लीवासियों को महंगाई का एक और झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने ऑटो फ्यूल पर लगने वाले वैट में बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। एक दिन पहले सरकार ने शराब पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ताजा शोध से पता चला है कि हिमालय की बर्फ पिघलने से अरब सागर में बड़े पैमाने पर जहरीला हरा शैवाल फैल रहा है। भारत, पाकिस्तान और खाड़ी देशों के तटों पर फैल रहा ये शैवाल उन प्लवकों के लिए बेहद खतरनाक है जो अरब सागर में फूड चेन में अहम भूमिका निभाते हैं। इस जहरीले शैवाल से मछलियों पर संकट गहरा गया है और इन्हीं मछलियों पर दक्षिण एशिया के 15 करोड़ लोग भोजन के लिए निर्भर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अमेरिका के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें उसने कहा था कि कोरोना महामारी चीन के वुहान लैब से फैली है। WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रियान ने कहा है कि हमें वायरस के वुहान लैब में बनने से जुड़ा कोई सबूत या डाटा नहीं मिला है। हमारे हिसाब से ये कपोल कल्पना है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच बनने की इच्छा जताई है। सोशल नेटवर्किंग ऐप हेलो पर फैंस से हुई बातचीत के दौरान अख्तर से जब पूछा गया कि क्या वो भारतीय गेंदबाजों को कोचिंग देने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर मेरा काम अपना अनुभव साझा करना है। मैंने जो सीखा है इसे आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।